फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं संजय सिंह और आपके लिए लेके आया हूं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक है कैंटिलीवर स्लैब। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैंटिलीवर स्लैब का हम लोग टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर में कैसे डिजाइन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल जनरेट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन लेवल डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंगल स्टोरी की कंस्ट्रक्शन लेवल डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाउंडेशन लेवल का डेप्थ जो है यहाँ पे मैं 1.2 मीटर प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके बाद हम लोग ग्राउंड फ्लोर के लिए मूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक्स्ट्रा जो हमारा लेयर है ये हमारा हो गया -1.2। चलिए अभी हमें नेक्स्ट फ्लोर के लिए मूव करना है। तो ये हमारा 3.2 मीटर पर हम लोग फ्लोर रखेंगे और इसका स्लैब थिकनेस हम लोग अभी प्रोवाइड कर देंगे 125। तो यहाँ पे हम लोग मॉडल के लिए मूव करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा जो हमारी सेंट्रल लाइंस हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सिंगल रूम का यहाँ पे बना के रखा हूँ, उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हम लोग यूज करने वाले हैं अभी। तो इसको मैं यहाँ पे सभी लेयर्स पे इंपोर्ट कर लूँगा बिकॉज हमें वहाँ पे स्लैब भी ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास चार कॉलम्स का पोजीशन है और यहाँ पे हम लोग कैंटिलीवर स्लैब ऐड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन लेवल पे कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग कॉलम का साइज 250x250 यूज कर लेंगे और इसमें ऑटोमेटिक अलाइनमेंट को ऑफ कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेड ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है। अभी सब कंप्लीट है तो हम लोग यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। चार कॉलम का हम लोग सिंपल एक फ्लोर बनाएंगे। चलिए अभी हमें यहाँ पे बीम्स को ऐड कर देना है। तो बीम भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस हमें यहाँ पे साइज चेंज करना है और हमें ग्रेड ऑफ स्टील प्रोवाइड करना है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं और इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे बीम्स को ऐड कर देंगे। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। इसी को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोर पे भी कॉपी कर देते हैं। इसको हम लोग बेस को सेलेक्ट रखेंगे और ये हमारा यहाँ पे कॉपी हो गया। अभी इसको यूनिक कर देंगे। चलिए अभी हमें यहाँ पे स्लैब ऐड करना है। तो हम लोग स्लैब ऐड कर देते हैं। टॉप लेवल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग स्लैब ऐड कर देंगे। तो ये हमारा स्लैब हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक कैंटिलीवर स्लैब यहाँ पे लगाना है और एक कैंटिलीवर स्लैब यहाँ पे लगाना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कैंटिलीवर स्लैब हम लोग दो टाइप से लगा सकते हैं। एक तो जिसमें हम लोग बीम्स भी प्रोवाइड करते हैं और फ्रंट में हमारा कैंटिलीवर रहता है, और दूसरा हमारा जिसमें हम लोग बीम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, सिर्फ स्लैब को एक्सटेंड कर देंगे। तो वो हमारा जो स्पेन कम होता है वहाँ पे हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग दोनों टाइप का कैंटिलीवर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले बीम ऐड कर देता हूँ कैंटिलीवर के लिए। ये हमारा बड़ा स्पेन है इसीलिए हम लोग यहाँ पे बीम्स को प्रोवाइड करेंगे। एक बीम और एक बीम हमारी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए अभी हमें यहाँ पे स्लैब ऐड करना है। तो स्लैब हम लोग यहाँ पे अभी फ्लैट स्लैब यूज करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे और दूसरा हम लोग यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कैंटिलीवर बन गया है। बस हमें यहाँ पे लोडिंग प्रोवाइड करके इसको डिजाइन करना है। तो चलिए डिजाइन कर देते हैं। तो मूव करते हैं हम लोग लोडिंग पे। पहले मैं यहाँ पे डेड लोड प्रोवाइड कर दूंगा। ज़्यादा हम लोग यहाँ पे लोडिंग में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो
मैं यहाँ पे बेस में फुल यूडीएल पिक करके हम लोग यहाँ पे डेड लोड प्रोवाइड कर देंगे, और इसका वैल्यू मैं अभी के लिए 11 ही रख लेता हूँ। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पे टॉप लेवल में भी प्रोवाइड करना है, तो हम लोग टॉप लेवल में भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पैरापेट वॉल के लिए प्रोवाइड करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे और सभी आउटर्स में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। चलिए ये हमारा यहाँ पे हो गया है। तो अभी हमें यहाँ पे लाइव लोड प्रोवाइड करना है, लाइव लोड भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लेवल लोड और वैल्यू हमारी लाइव लोड की 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अभी हमारी यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेस्मिक लोड भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग इसको बेस से इग्नोर कर देंगे और इसका इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। इसको मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देता हूँ, बिकॉज हमारा मेन कंसर्न अभी यहाँ पे स्लैब डिजाइन करने का है, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे। नेक्स्ट और ये फिनिश। अभी हम लोग यहाँ पे सेसमिक के कॉम्बिनेशंस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस को मैं डिसलेक्ट कर दूंगा और फिनिश कर दूंगा। चलिए अभी यहाँ पे हमें लोड कॉम्बिनेशंस को प्रोवाइड करना है। तो लोड कॉम्बिनेशंस के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशंस को जनरेट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे डिसलेक्ट कर देंगे और हमारे लोड कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 लोड कॉम्बिनेशंस हमारे जनरेट हुए हैं, इनको हम लोग ओके कर देंगे। चलिए एक बार हम लोग इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स दिए हुए हैं, चेक कर सकते हैं हम लोग। एक्सियल फोर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और उसका वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। रिएक्शंस भी चेक कर सकते हैं और मूवमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डिजाइन पे मूव करते हैं अभी हम लोग। तो डिजाइन करने से पहले मैं यहाँ पे एक बार स्लैब की प्रॉपर्टीज को जरूर चेक करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने जो डेप्थ प्रोवाइड की है उसको हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 125। और उसके बाद हमें रीएनफोर्समेंट सेटिंग्स भी चेक करनी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास बीम है, हमारे पास 20 mm का रॉड डिफॉल्ट में है, उसको हम लोग 16 कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इतना लोडिंग नहीं है कि इतना रीएनफोर्समेंट हमारा जाएगा। इसको सेव कर देते हैं। चलिए स्लैब में भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो स्लैब में आप देख सकते हैं हमारा मैक्सिमम जो लूज बार है उसको हम लोग 80 कर देंगे, और उसके बाद स्पेसिंग को मैं मिनिमम 75 mm कर दूंगा। चलिए अभी हमारी सेटिंग्स यहाँ पे सही हो चुकी हैं। अभी हम लोग डिजाइन पे मूव कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे डिजाइन और स्टैटिक करके डिजाइन कर दूंगा। ये तो हमारा मॉडल डिजाइन हो गया, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे फुली सेफ है। अभी हम लोग जाएंगे डिजाइन स्लैब के ऊपर। तो हमें यहाँ पे डिजाइन स्लैब को सेलेक्ट करना है और हमारे स्लैब्स डिजाइन हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंटिलीवर हमारा सेफ है, बट एक हमारे पास यहाँ पे फेल कर रहा है, तो हम लोग इसको सेफ कर देते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रीजन फाइंड आउट करेंगे फेल क्यों हो रहा है। उसके लिए हमें यहाँ पे डिजाइन मेंबर चेक करना है और उसके पास हमारे पास रीजन जो है हमारे पास मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटी में हमारा मूवमेंट फेल हो रहा है, यानी कि हमारा ASTP प्रोवाइड हमारा 335 है और रिक्वायर्ड हमारे पास 520 है। तो हम लोग इसमें रीएनफोर्समेंट और इंक्रीज करेंगे। तो रीएनफोर्समेंट इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से सेटिंग में जाना होगा और रीएनफोर्समेंट का साइज इंक्रीज करना होगा, यानी कि हम लोग मैक्सिमम बार हम लोग 10 का प्रोवाइड कर देंगे। सेव। चलिए एक
एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन मेंबर एक और यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को भी चेक कर लेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे यहाँ पे प्रोवाइड हुई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी कॉलम्स जो हमारे सभी स्लैब्स जो हमारे यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सेलेक्टेड है, तो इनको हम लोग यहाँ पे, हमारे पास दो साइड कंटिन्यूस हैं तो उनको हम लोग कंटिन्यूस कर देंगे। तो फर्स्ट हमारी ये वाली साइड और सेकंड हमारी ये वाली साइड, यानी कि वाई में हमारा फर्स्ट साइड और एक्स में सेकंड साइड। तो हमारे पास एक्स में सेकंड को हम लोगों ने कर दिया और वाई में फर्स्ट को हम लोग कंटिन्यूस कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे और कुछ करना नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको डिजाइन मेंबर कर देते हैं। अभी हमारे पास जस्ट स्लाइट एएसटी कम है, तो हम लोग इसको स्पेसिंग कम करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम स्पेसिंग दी हुई है 150, इसको हम लोग 125 कर देंगे और इसको भी हम लोग 200 कर देंगे, इसको 300 कर देंगे। चलिए और फ्लैट स्लैब के लिए भी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे 10 तक रखेंगे, 75, 125 और इनको हम लोग 200 और 300 कर देंगे। चलिए अभी हम लोग फिर से एक बार डिजाइन कर देते हैं, डिजाइन स्लैब्स। अभी हमारा यहाँ पर सेफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉटम में एक्स में फेल कर रहा है और यहाँ पे हम लोग जरूरत से ज्यादा एएसटी प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे हमारा एएसटी कम है, तो चलिए इसमें भी हम लोग रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। या हम लोग यहाँ पे इसकी थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि कैंटिलीवर है हमारे पास यहाँ पे और इसका स्पेन भी बहुत बड़ा है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट की बजाय हम लोग कंक्रीट का क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करेंगे, बिकॉज रीइन्फोर्समेंट हमारा कॉस्टलियर होता है कंपेयर देन कंक्रीट। तो यहाँ पे हम लोग इसका थिकनेस बढ़ा के इसको डिजाइन कर देते हैं। एक बार इसको मैं 150 कर दूंगा। चलिए इसको डिजाइन कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सभी स्पेन्स सेफ हो चुके हैं और ऐसे ही हम लोग आगे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी चाहिए हमको, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।